हेलो बच्चों, मैं सोनू चंगे आपका नव भारती परिवार में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 2, इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 2, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यानी कि विषय और विधेय। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा सेंटेंस, सेंटेंस हमने पढ़ा यानी कि वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। आज हम इसके भाग पढ़ेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि विषय और विधेय। तो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का पहला भाग। फॉर व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, जो वाक्य के बारे में क्या कहता है तो उसे कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, राम इज रीडिंग द बुक। राम, राम कौन है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। तो राम इज रीडिंग द बुक, राम क्या कर रहा है, राम देखिए पिक्चर में दिख रहा है, राम क्या कर रहा है, राम बुक पढ़ रहा है यानी कि राम इज रीडिंग द बुक। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, राम, राम यानी कि कर्ता। कर्ता क्या हुआ, राम यानी कि वो बुक पढ़ रहा है। तो इसमें कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा इसमें राम। आगे देखिए, दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, प्रिया इज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें प्रिया यानी कि सब्जेक्ट क्या है, इसमें प्रिया। प्रिया क्या कर रही है, वो स्कूल जा रही है, जैसे कि पिक्चर में बताया गया है। तो बच्चों, इस तरह से जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, क्या कर रहा है, वही वो होता है सब्जेक्ट, काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि नोट में दे रखा है, अंडरलाइन वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट, जो अंडरलाइन कर रखी है वो है सब्जेक्ट, यानी कि राम इज रीडिंग द बुक, तो इसमें हुआ सब्जेक्ट राम। नीचे है, प्रिया इज गोइंग टू स्कूल, तो इसमें सब्जेक्ट हुआ प्रिया। तो कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है यानी कि कर्ता। तो बच्चों, सब्जेक्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। प्रेडिकेट यानी कि विधेय। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का दूसरा भाग। सेज एनीथिंग फॉर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, यानी कि वाक्य का दूसरा भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है यानी कि कर्ता के बारे में कुछ बताता है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं यानी कि विधेय कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, द बर्ड फ्लाई। अब इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, तो इसमें फ्लाई, फ्लाई हो गया इसमें यानी कि उड़ना, क्या हुआ प्रेडिकेट यानी कि पक्षी उड़ रहे हैं। तो बर्ड्स तो हो गया, फ्लाई यानी कि पक्षी उड़ते हैं, द बर्ड्स फ्लाई यानी कि पक्षी उड़ते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट जो हमने पहले पढ़ा यानी कि द बर्ड्स, ये हुआ सब्जेक्ट, और फ्लाई जो बचा हुआ हिस्सा है वो हुआ प्रेडिकेट। अब दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, केट वॉज ड्रिंकिंग द मिल्क। अब जैसे कि बिल्ली क्या कर रही है, बिल्ली दूध पी रही है, तो केट वॉज ड्रिंकिंग द मिल्क, जो इसमें अंडरलाइन है यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ के जो बाकी की लाइन होती है, जो बाकी का हिस्सा है वो हो गया प्रेडिकेट। जैसे कि कैट वॉज ड्रिंकिंग द मिल्क, कैट हो गया सब्जेक्ट और बाकी का बचा हुआ वॉज द ड्रिंकिंग द मिल्क, ये हो गया प्रेडिकेट। आगे देखिए, ऑल स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्या कर रहे हैं, सभी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ऑल स्टूडेंट्स, ये हो गया सब्जेक्ट जो हम पहले पढ़ चुके, और आर प्लेइंग क्रिकेट ये हो गया प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी का भाग होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कि आगे दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे, द रेड रोजेज ऑफ माई गार्डन आर प्रिटी, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया द रेड रोजेज ऑफ माई गार्डन, ये हो गया सब्जेक्ट। अब बाकी का बचा हुआ है प्रिटी, यानी कि बहुत सुंदर है, मेरे गार्डन के यानी कि मेरे बगीचे के जो रेड गुलाब हैं वो बहुत सुंदर है, तो इसमें प्रिटी वो हुआ इसका प्रेडिकेट। नोट, अंडरलाइन वर्ड आर प्रेडिकेट, जो इसमें अंडरलाइन की हुई है वो हो गया इसका प्रेडिकेट। तो बच्चों, प्रेडिकेट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आगे हमने पढ़ा था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब बच्चों, इसकी हम एक्सरसाइज देखेंगे।
अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे कि रोहन इज गोइंग टू स्कूल, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, रोहन यानी कि कर्ता, रोहन यानी कर्ता क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, तो ये हुआ गोइंग टू स्कूल, ये हुआ प्रेडिकेट। आगे देखिए द सन शाइन्स ब्राइटली, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, द सन। आगे शाइन्स ब्राइटली, तो शाइन्स ब्राइटली क्या हुआ, प्रेडिकेट। द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली, द डॉग्स हुआ सब्जेक्ट, वर बार्किंग लाउडली, तो ये हुआ इसका प्रेडिकेट। यानी कि सब्जेक्ट द डॉग्स, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। द प्रीटी गर्ल वॉज वियरिंग ए ब्लू फ्रॉक, इसमें सब्जेक्ट होगा द प्रीटी गर्ल। अब वो क्या कर रही है, वियरिंग ए ब्लू फ्रॉक, वो हुआ इसका प्रेडिकेट। शिवम इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो शिवम होगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, इज माय बेस्ट फ्रेंड, वो हुआ इसका प्रेडिकेट। इंडिया इज माय कंट्री, तो इसमें इंडिया हो गया सब्जेक्ट, इज माय कंट्री, वो हो गया प्रेडिकेट। इंडिया इज माय कंट्री, तो बच्चों इसमें इंडिया है वो हुआ सब्जेक्ट, इज माय कंट्री, ये हुआ इसका प्रेडिकेट। आगे देखिए माय फादर इज इन दिल्ली टुडे, तो माय फादर ये हुआ सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, इज इन दिल्ली, ये हुआ इसका प्रेडिकेट। अब आगे वाली हम एक्सरसाइज देखेंगे, एड द सब्जेक्ट पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हम इसे आगे ऊपर दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, और नीचे हमें क्या करना है, सब्जेक्ट पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें इसमें सब्जेक्ट ऐड करना है, वो मैंने ऐड कर दिया है, अब आपको इसे समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फ्लफ्स इन माय बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें माय बेस्ट फ्रेंड इसमें कौन है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट हमें लिखना है, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया ही, यानी कि प्रेडिकेट इसमें दे रखा है और हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट इसमें हो गया ही। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, फिलिप्स इज माय कंट्री, यानी कि प्रेडिकेट इसमें दे रखा है, इज माय कंट्री प्रेडिकेट हुआ, अब इसमें हमें सब्जेक्ट डालना है, तो सब्जेक्ट इसमें होगा इंडिया। नेक्स्ट है फिलिप्स वन द क्रिकेट मैच, अब इसमें ये प्रेडिकेट है वन द क्रिकेट मैच, अब इसका सब्जेक्ट होगा आवर टीम। नेक्स्ट फ्लब्स फ्यूज एट नाइट, तो ये है इसका प्रेडिकेट। अब हम इसका सब्जेक्ट देखेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट होगा ए बॉल। नेक्स्ट है फ्लब्स हेल्प मी इन माय नीड, ये है इसका प्रेडिकेट। अब हम इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे माय फ्रेंड्स, तो बच्चों इसमें हमने सब्जेक्ट लिखा यानी कि इसमें प्रेडिकेट दे रखा था और हमें इसमें सब्जेक्ट लिखना था, तो हमने इसमें सब्जेक्ट लिखा। अब आगे वाली हम एक्सरसाइज में देखेंगे, ऐड द प्रेडिकेट पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि अब इसमें हमें प्रेडिकेट लिखना है, इसमें हमें सब्जेक्ट दे रखा है और हमें इसमें प्रेडिकेट लिखना है। जैसे देखते हैं माय नेबर इज, ये हो गया सब्जेक्ट, अब इसका प्रेडिकेट होगा गोइंग टू मुंबई, ये हुआ इसका प्रेडिकेट। आगे देखिए द पियोन, ये है सब्जेक्ट, इज वेरी बिजी क्या हुआ इसका प्रेडिकेट। लूसी हुआ सब्जेक्ट, इज ए गुड गर्ल, ये हुआ इसका प्रेडिकेट। नेक्स्ट है ब्रेड एंड मिल्क, तो ब्रेड एंड मिल्क ये हुआ इसका सब्जेक्ट। अब इज गुड ब्रेकफास्ट, तो इज गुड ब्रेकफास्ट ये हुआ इसका प्रेडिकेट। स्विमिंग ये सब्जेक्ट है, इज माय बेस्ट गेम ये हुआ इसका प्रेडिकेट। तो बच्चों इस वाले में, इस एक्सरसाइज में हमने सब्जेक्ट दे रखे थे और हमने इसमें प्रेडिकेट लिखना था, वो हमने एक्सरसाइज को प्रेडिकेट लिखकर इसको कंप्लीट किया। तो बच्चों आपको ये एक्सरसाइज, आपको सेंटेंस
के जो भाग हैं यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये आपको अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे। तो इस एक्सरसाइज को आप रिवीजन कीजिए, इसको समझिए, आपको फिर आपको नई वीडियो में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।